9 दिनों तक चले शारदीय नवरात्र के बाद जिले में शनिवार को विजयादशमी व दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। त्योहार शांति व सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ। लोगों ने विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इसी कड़ी में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति एवं जन सेवा समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं आम नागरिकों ने रविवार को नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। साथ ही अगले वर्ष फिर से आने का वादा लिया। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा के बाद मां को विदाई दी गई। मां दुर्गा को विदाई देने के लिए श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति एवं जन सेवा समिति के तत्वावधान में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा रविवार को प्रशासनिक सुरक्षा के बीच नदी में विसर्जित की गई। जोर से बोलो, सारे बोलो। माता से कामना करते हैं कि भिलाई वासी जो जो 9 दिन उत्साहपूर्ण रहा वैसे ही पूरे जीवन पर वैसी खुशहाली और शांति बनी रहे। सेक्टर 10 का ये पंडाल गणेश उत्सव से और दुर्गा उत्सव दोनों में ही चर्चा में रहा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये नेचुरली है, हमारे समिति के कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित थे और इस बार उन लोग को ज़्यादा ही उत्साह था कि फिस्ट चैनल जो लगा था उसमें लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। भले जनता ने प्रचार किया, जैसे जनमानस तक पहुंचा और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने देखा। हर हर गंगे दुर्गा उत्सव जन सेवा समिति हमारे समिति का नाम है और हमारे समिति में इस बार फिश तंग जो लगा था उसका लोगों का प्रोत्साहन और प्यार बहुत अच्छा मिला। और आज माता का विसर्जन है, क्या कामना करते हैं माता का? माता के विसर्जन से भी कामना करते कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश खुशहाली रहे, समृद्ध रहे, सबके घर में खुशी रहे। के आभारी हैं हम लोग, है ना, माता बैठा है तो सब देवी देवता। आज माता विदा हो रही है, क्या हो रही है माता है, इसलिए हम लोग सब मिलके उसको विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। माता जी, माता से क्या कामना करते हो? माता से यही है कि हमारा सुख शांति के लिए, परिवार के लिए, हमारा सुख शांति सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद माने कामना दे, हम लोग को पूर्ण करे। माता हमको अच्छा से रखे, हमारे परिवार सब भक्तजनों को।